गृहस्थी चलाने के लिए। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 20 करोड़ रुपए का सवाल है। जो सही उत्तर देगा उसके पास 20 करोड़ का ज्ञान पहुंचेगा। तो प्रश्न है 20 करोड़ रुपए का, तो चाहिए 20 करोड़। प्रश्न है, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरा सहनशीलता या चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसा, प्यार, सहनशीलता, झगड़ा। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, कोई नहीं बताएगा, सब टुप्पी टाप रहेंगे। ये भैया बताएंगे, पीले कुर्ता भैया बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ऑप्शन बता दो, 4 में से कौन सा वाला? ये कह रहे हैं तीसरा। दादाजी आप बताओ, चश्मा वाले भैया आप बताओ, सफेद बनियान कुर्ता पहन रखा है आपने? हाँ जी, आपसे पूछ रहे, बताओ कौन, नंबर बताओ। पहला है पैसा, दूसरा है प्यार, तीसरा सहनशीलता, चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए कौन सा ऑप्शन चाहिए? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा चौथा, बड़ा उत्तर दो, उंगली उठाओ अपनी। अरे आप तो 5 उठा लिए, 5 तो था ही नहीं, ये क्या, कौन सा ये? एक पैसा, ये कह रहे हैं पैसा चाहिए। पत्नी है घर में आपकी? फिर तो खूब पैसा देते। अच्छा ठीक है, मैया बताएंगी मेरी माँ। ऑप्शन 4 है, कौन सा वाला, कौन सा लॉक कर दें? पहला वाला लॉक कर दें, पैसा, दूसरा प्यार, नहीं प्यार नहीं चाहिए पति का, फिर हाँ गृहस्थी चलाने के लिए पैसा तो आ ही जाएगा, कमाओगे पैसा आएगा, प्यार तो हो ही जाएगा, आप जिसके साथ रहते हैं उससे ही प्यार हो जाता है। तो पत्नी के साथ रहेंगे तो प्यार तो उसी से होगा, पड़ोसन से तो होगा नहीं, तो प्यार तो हो ही जाएगा। गृहस्थी चलाने के लिए प्यार नहीं, जो लड़का लड़की प्यार से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज भाग कर कोर्ट मैरिज, उनकी भी टूट जाती है। प्यार से किया था, मन पसंद किया था, फिर भी टूट गई, मतलब रिश्ता चलाने के लिए पैसा प्यार नहीं, सहनशीलता चाहिए। यदि आपने सही उत्तर दिया, 20 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में। तो गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? सहनशीलता। पति कुछ कह दे तो इग्नोर करो, सहन कर लो। पत्नी कुछ कह दे तो सहन कर लो। सास कुछ कह दे, क्या करोगे, सहन करना पड़ेगा। ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इस पति को छोड़ के दूसरे के संग चली जाए। हम सनातनियों के यहां यही तो नहीं होता, हमारे यहां तो एक जो है वही 7 जन्म के लिए फिक्स हो जाता है, बदल भी नहीं सकते। औरों के यहां तो बदलने की भी है ना, बदलने का भी उनके यहां ऑप्शन है, हमारे यहां बदलने का कोई ऑप्शन। उर्दू में कहते हैं तलाक, उर्दू वाले तलाक ले लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, उनके यहां तलाक नाम का एक शब्द है। इंग्लिश वालों के यहां डिवोर्स, डिवोर्स नाम का एक शब्द है, इंग्लिश में डिवोर्स कहा जाता है रिश्ता तोड़ने के लिए, उर्दू में तलाक कहा जाता है रिश्ता तोड़ने के लिए। बताओ हिंदी में क्या कहा जाता है, बंगाली में क्या कहा जाता है रिश्ता तोड़ने के लिए? बोलो मेरी माँ। हाँ
इंग्लिश रिश्ता तोड़ना सिखाती है, उर्दू में भी रिश्ते तोड़े जाते हैं, पर हिंदी है हमारी भाषा जो सिर्फ जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। तोड़ने का कोई शब्द है तो बता दो, जिसको कहकर रिश्ते तोड़ दिए जाते हो। हाँ, शब्दों को तोड़ने का, संधि विच्छेद करने का तो है, पर रिश्ते तोड़ने का कुछ नहीं ऑप्शन हमारे यहां। हमारे यहां तो हो गई, अब जाएगा कहां बच्चू भाग के। इसलिए हमारे यहां पति कैसा भी हो तुम्हारा है, देवता है। पत्नी कैसी हो पहले देख लेते कि अंधी है कि बहरी है, लंगड़ी है कि लूली है, गोरी है कि काली है, गोरा है कि काला, अमीर के गरीब, सब पहले शादी के पहले सब देख लो, पर हो जाने के बाद वो जैसा है तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी घर की शान है। पुरुषों के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है, कैसी है, और स्त्रियों के लिए तुम्हारा भगवान है, कैसा भी है। रिश्ते चलाओगे तो समझदारी से चलेंगे, और उसमें चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता। पैसा तो आ ही जाएगा, जिनके पैसा नहीं है उनकी भी गृहस्थी चल रही है, हाँ या ना। जिन में प्यार नहीं है उनमें भी, उनकी गृहस्थी भी चल रही है, बस सहनशीलता है। प्यार का क्या है साहब, आज कट्टी हो जाती है कल दोस्ती हो जाती है। प्यार तो ऐसा है, आज नहीं है कल हो जाएगा। क्यों जी, पहले आपको कम प्यार था पति से, पति को पत्नी से, पर धीरे धीरे रहते 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 उसका घर का, उसका रख रखाव तौर तरीके देखते देखते व्यक्ति को हो जाता है प्यार। सब बाद का विषय है, पर जरूरत है। अच्छा बताओ, पत्थर भी छेनी और हथौड़े की चोट खाता है, पत्थर भी छेनी और हथौड़े की चोट खाता है, तब जाके क्या होता है, भगवान मूर्ति। पत्थर भी छेनी और हथौड़े की चोट खाकर मूर्ति बन जाता है, बाद में प्रतिष्ठा करके भगवान हो जाते हैं। यदि वो पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट ना खाता और चोट खा के टूट जाता तो क्या फिर उसकी मूर्ति तैयार होती। अरे जो पत्थर चोट सहता है, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। तो सहने वाला भगवान होता है, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो गृहस्थी में सहना होगा, अपमान सहना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं। सारा काम करती हैं माताएं, फिर भी पुरुष ताने क्या मारते हैं, तुम करती क्या हो, घर में पड़ी पड़ी खाती और सोती हो। पुरुष लोग यही ताना मारते हैं ना आपको, दिन भर खाती और सोती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा। पूरे भारत की हर स्त्री को यह सुनना पड़ता है, खाती हो और सोती हो, ये आरोप स्त्रियों पर लगाया जाता है। लेकिन स्त्रियां काम तो पूरा करती हैं, काम पूरा करके फिर सो जाएं अलग विषय है, पर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। इसलिए पुरुष को ताना नहीं मारना चाहिए, ये ताना मारे भी पुरुष तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्या करो। आपने सारा काम किया फिर भी सुनने को मिलेगा क्या किया, तो क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा रिश्तों को चलाने के लिए। और आप भी अकड़ गए और पुरुष भी अकड़ गया, टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, जाओ कोर्ट कचहरी, फिर कल दूसरा हस्बैंड ढूंढो, वो बैंड बजाए कल, फिर उससे ना पटेगी तो तीसरा ढूंढो, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं, हमारे यहां ये सब ठीक नहीं है, है ना मेरी मां। तो कौन कौन लोग अपनी गृहस्थी समझदारी से चलाएंगे, कितने लोग सहनशील बनेंगे आज की कथा के बाद। और पुरुष भी सहनशील बनना, पत्नी कुछ कहे तो चुप ही रहना बिल्कुल। कई बार माताओं को भी तो मन होता होगा कुछ कहने का, कुछ डांटने का, तो पुरुषों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। आज तुम डांट लो, कल हम डांटे थे आज तुम कह लो, कभी हम कहें तो तुम सुनो, कभी तुम कहो तो हम सुने।
ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। ऐसी चलानी है गृहस्थी आप लोगों को। हाँ बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सूना पति बिना संसार। पति जरूरी, आपके मांग में यदि सिंदूर है तो पति की बदौलत है, हाथ में चूड़ी है तो पति की बदौलत है, पांव में माहौर है, माहौर समझते हैं, तो पति की बदौलत है। यदि पति ना हो तो मांग सुनी है, मंगल सूत्र नहीं है, चूड़ी नहीं है। एक स्त्री की सुंदरता उसका पति होता है, पति है तो सिंगार है, वरना पति के बिना सब भार है। पति है तो जरा सा मंगल सूत्र भी तुम्हारी शोभा बढ़ाता है, और पति चला जाए और फिर कोई स्त्री सोने से सज जाए, सोने से लदकर खड़ी हो जाए, तो वह शोभा नहीं पाती। इसलिए मेरी माँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरव दाधा। जिस नारी ने पति को पाया, जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, नारियों का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? एक ही व्रत नारियों का, एक पतिव्रत, पतिव्रता, एक पतिव्रत रहे जगत में, साफ सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना पति बिना। पति इसलिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरी, तुम मेरे देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तो आप अपने पति को सदा खुश रखिए, और पति अपनी पत्नी को खुश रखे, और दोनों खुश रहकर और भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। यही सुंदर सी गृहस्थी है। बच्चों को खुश रखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, दो बातें सह लीजिए, झगड़ा ना कीजिए।